गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ वी स्टडी अबाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी सबको पता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी हमको मिले ठीक है तो ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर क्लासीफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिनबल मीन्स जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो टू पार्ट में डिवाइड हैं, या तो रिन्यूएबल होंगी या तो नॉन रिन्यूएबल होंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच कैन नॉट बी जनरेटेड विच कैन बी जनरेटेड बाई अस और विच आर कॉन्स्टेंटली बींग जनरेटेड बाई नेचुरल प्रोसेस और हुज सप्लाई इज अनलिमिटेड मीन्स जो कि हम लोग जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को और उस एनर्जी की जो सप्लाई होती है वो अनलिमिटेड होती है फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी सन एनर्जी ठीक है सन एनर्जी क्या होती है अगर हम लोग एक सोलर पैनल का एग्जाम्पल ले लें तो सन सन लाइट डेली आनी ही आनी है ठीक है तो वो क्या होती है सोलर पैनल पर फॉल होती है जिससे कि सोलर सेल क्या जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है तो मींस दिन भर अगर सनलाइट फॉल हो रही है तो रात में जो सोलर जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उस एनर्जी का यूज़ रात में किया जा सकता है ठीक है अगेन नेक्स्ट डे फिर से क्या होगी सोलर uh, एनर्जी और सन की जो एनर्जी है वो फॉल होगी सोलर पैनल पर दिन भर सोलर पैनल में uh, में चार्ज होगा और रात में फिर से जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है तो बेसिकली क्या हो गया कि सोलर एनर्जी जो है उसकी सप्लाई क्या है अनलिमिटेड है ठीक है और सोलर पैनल क्या है हम लोग बनाते हैं ठीक है तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच कैन बी जनरेटेड बाय अस एंड हु सप्लाई इज अनलिमिटेड सेकंड इज विंड एनर्जी विंड एनर्जी में भी क्या होता है कि विंड फ्लो कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है ठीक है तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है अनलिमिटेड प्रोसेस है चूँकि विंड एनर्जी जो है वो कोस्टल एरिया में लगाया जाता है वहां पर विंड फ्लो ही करती ही रहती है और वो जो विंड मिल घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ठीक है इन द सेम वे फ्लोइंग वाटर अगर हमने डैम बना दिया है तो वाटर जो है ऊपर से नीचे आएगा जिसके वजह से जो है टर्बाइन मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो बेसिकली ये तीनों क्या है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं क्यों क्योंकि इनकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है और इसको जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं उसको क्रिएट करते हैं और कुछ जो है वो क्रिएट होती है नेचुरली ठीक है नॉन रेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हैं दो विच वर प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट बाय नेचुरल प्रोसेस हु सप्लाई इज लिमिटेड एंड विच कैन नॉट बी जनरेटेड आवर सेल्फ ठीक है नॉन रेनेबल सोर्स जो हैं उनको हम लोग नहीं जनरेट कर सकते हैं वो पास्ट में जनरेट हुए हैं एक नेचुरल प्रोसेस से ठीक है नॉन रेनेबल जो है उसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं वो पास्ट में जनरेट हुए हैं एक नेचुरल प्रोसेस से और उनकी सप्लाई लिमिटेड है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं ज़मीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ये सब एक लिमिटेड अमाउंट में है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगी बहुत जल्दी जो है को अगले कुछ सालों में ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी अगर हम इनको एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे ज़मीन से और यूज़ करेंगे एक लिमिटेड अमाउंट में तो ये थोड़े लंबे टाइम तक जो है वो चल सकती हैं बट एक ना एक दिन जो है इन सब चीज़ों को ख़त्म होना है कोल है पेट्रोलियम हम नेचुरल गैस है क्यों क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट में है और इसी वजह से ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं क्यों क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और एक ना एक दिन इनको जो है वो खत्म हो जाना है और ये जो है ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं जनरेट होते हैं इसको जो है ये सारे के सारे एक नेचुरल प्रोसेस से जो हैं वो जनरेट हुए हैं ठीक है बट रिन्यूएबल सोर्स जो हैं जैसे कि सन विंड और फ्लोइंग वाटर ये जो हैं वो अनलिमिटेड हैं मीन्स ये कभी भी नहीं ख़त्म होंगे बट अगर हम बात करें कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के तो ये क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक दिन जो है इसको ख़त्म होना ही है क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट में है